तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहली बार आप सभी को रैपिड रेल की जर्नी करने वाले हैं। दोस्तों, चलेंगे गाजियाबाद RRTS स्टेशन से लेकर और दुहाई तक का सफ़र आज हम तय करेंगे और दिखाएंगे आप सभी को कि जिस बायोडक्ट को मैंने आप सभी के बीच में दिखाया, आज उसका ट्रेवल करने वाले हैं। रैपिड रेल की क्या क्या मिलने वाली हैं सुविधाएं, क्या क्या कहां कहां से कैसे चढ़ेंगे, क्या क्या होता है कैसे, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में जानने के लिए और समझने के लिए मिलेगा। दोस्तों, तो ना देर करते हुए चलते हैं कौन कौन से लेवल पे और फिर आप टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं दुहाई RRTS का स्टेशन दिखाएंगे चल के, और ये भी दिखाएंगे चल के कितनी रफ्तार से ये चलती है। दोस्तों, तो चलते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, तो देख सकते हो ये आ चुके हैं हम कौन कौन से लेवल पर गाजियाबाद RRTS के स्टेशन पर। यहाँ से टिकट लेते हैं, और टिकट दो तरीके से मिल सकती है, आप कैश दे के भी ले सकते हैं और कैश वेल्डिंग मशीन से भी ले सकते हैं, तो दोनों तरीके से। चलो यहाँ से निकलते हुए और टिकट ले ली, और टिकट लेके यहाँ पर स्कैन करते हैं और फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म लेवल पे। देखो ये स्कैन हो गई टिकट, और दोस्तों, और उसके बाद में आप चलते हैं कौन कौन से लेवल पे। तो देख लो कि आप सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर रखी है, और काफ़ी खूबसूरत काफ़ी सुंदर स्टेशन बनाए गए हैं RRTS के। दोस्तों, और आप लोगों को बता दूँ कि हमारे भारत देश में पहली बार ये मेड इन इंडिया ट्रेन है। दोस्तों, इंडिया में ही असेंबल की गई है, और आप लोगों को बता दूं कि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जिसकी मिनिमम स्पीड अभी कर रखी है दोस्तों 160 प्रति घंटा। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को। देखो, मैंने आप सभी को कितनी बायोडक्ट जब से ये स्टार्ट हुआ डे वन से मैंने आप लोगों को दिखाया है, और आज बन के कम्प्लीट हो चुकी है। इस पे रैपिड रेल भी दौड़ने लगी है, और अब मौका मिला है इसमें जर्नी करने का, तो करते हैं और एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, और आप सभी को बता दूँ एक चीज़ कि जो प्रीमियम कोच है दोस्तों, उसकी गाजियाबाद RRTS के स्टेशन से लेकर दुबई के स्टेशन तक ₹50 की टिकट है, और स्टैंडर्ड क्लास की दोस्तों ₹30 की टिकट है गाजियाबाद से और दुबई तक ₹30 की टिकट है। तो यही फ़र्क है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं प्रीमियम कोच में, और ये जो आपका स्टैंडर्ड कोच है दोस्तों, इसमें सब लोगों के लिए हैं, कोई भी इसमें आ सकता है जा सकता है, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, हर किसी के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, तो चलते हैं, और आप लोगों को जब ट्रेन में बैठेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे चल के कि कितनी रफ्तार से भागती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसी सीटें हैं, क्या क्या पकड़ने के लिए है उसके अंदर, वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो एक्सीलेटर में चढ़ चुके हैं दोस्तों, और चलते हैं प्लेटफॉर्म लेवल पर। और प्लेटफॉर्म लेवल पर देख सकते हो ये चार्ट लगाया गया है, जहाँ तक ये स्टार्ट होगा और जहाँ पर ये ख़त्म होगा। अब देखो दोस्तों, ये नीचे का ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तो मेरठ मेट्रो के लिए ही बनाया गया, ये मेरठ मेट्रो की लाइन है ब्लू कलर में, और ये रेड लाइन ये दोस्तों RRTS की लाइन है, जो कि दिल्ली के सरायकाले खान से स्टार्ट होगी और मोदीपुरम में जाके ये एंड हो जाएगी, यानी कि डिपो के अंदर पहुँच जाएगी ट्रेन। वहाँ पर इसका देखभाल की जाएगी, इंजन को ठंडा किया जाएगा, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो यही है, देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा रखे हैं, और जब ये ट्रेन आएगी दोस्तों, रुकेगी तभी ये स्क्रीन डोर्स खुलेंगे, और उसके बाद में अंदर जाने के लिए उतरने के लिए उसमें एक प्रेस बटन भी है, उसको पुश करना पड़ेगा, जब वो दरवाज़ा खुलेगा तब आपको आना जाने के लिए। देखो, अब आप लोग देख लो, ये है प्रीमियम कोच का जगह जो कि वहाँ पर बंद कर रखा प्रीमियम कोच के लिए, यानी कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वही जा सकते हैं, मतलब जा सब सकते हैं, लेकिन उसका सीट महंगा, उसका टिकट महंगा है और इसका थोड़ा सस्ता है दोस्तों, तो इसी वजह से यहाँ पर
दो कोच बनाए गए हैं। तो पहला प्रीमियम कोच है, दूसरा महिलाओं का है, और जो चार डब्बे होते हैं दोस्तों वो सभी के लिए हैं, जेंट्स महिलाएं बच्चे सभी के लिए। तो देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पंखे लगाए रखे हैं यहाँ पर दोस्तों। ये न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, बैठने के लिए चेयर भी है प्रीमियम क्लास में, और स्टैंडर्ड क्लास में कुछ नहीं है, बस खड़े रहो, बस ये है। इधर थोड़ी वैसी सीटें हैं, उधर का देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर इसका निर्माण किया गया दोस्तों, मोदी सरकार के राज्य में। और ये दोस्तों दिल्ली से लेकर, और सबसे ज़्यादा पार्ट तो आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका ज़्यादातर साथ दिया है। तो देख सकते हो ये आ चुकी है पहली रैपिड रेल, और देखने में ही भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये ट्रेन लगती है। और जब इसकी जर्नी करेंगे, इसके अंदर चलेंगे, तब देखेंगे तब कितनी खूबसूरत है। और भाई साहब बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में, और ऐसे ऐसे लाइनें ये प्रपोज हो गई हैं गाज़ियाबाद के स्टेशन से। एक तो जाएगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, यानी कि जेवर एयरपोर्ट के लिए, एक लाइन कंफर्म हो चुकी है। दूसरी लाइन जाएगी दोस्तों कहाँ, तुम्हारी हापुड़ के लिए, और तीसरी लाइन जाएगी खुर्जा के लिए। तो यहीं से प्रपोज्ड है दोस्तों गाज़ियाबाद आरआरटी के स्टेशन से ही। इसी वजह से सबसे विशाल ये स्टेशन गाज़ियाबाद आरआरटीएस का स्टेशन ही है दोस्तों। देख सकते हो इस तरीके से ये स्क्रीन डोर्स खुलते हैं, और अगली ट्रेन में हम चलेंगे। इसे जाने देते हैं, जो फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं, पीछे रह गए हैं। तो देखो किस तरीके से ये अपने आप ही बंद हो जाती है, देखो साथ साथ में ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगते हैं और रैपिड रेल के गेट भी लगते हैं साथ साथ में। तो यही इसका खासियत है दोस्तों। अब अंदर चलेंगे, अगली जो ट्रेन आएगी उसमें दिखाएंगे आप लोगों को फैसिलिटी क्या क्या दी हुई है, कैसे कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या क्या मिलने वाली आम जनता के लिए। और आने वाले टाइम में आप सभी को बता दूँ कि जब मेरठ साउथ आरआरटीएस का स्टेशन नहीं खुला था, उससे पहले कम भीड़ रहती थी मोदी नगर तक, और उसके बाद में दोस्तों जब मेरठ साउथ से और साहिबाबाद तक चली है तो भाई साहब इतनी भीड़ हुई, और रक्षाबंधन के दिन तो भाई साहब इतना ही भीड़ थी, इतनी भीड़ थी क्या ही बताऊँ। 35,000 लोगों से ज़्यादा इसने ट्रेवल इधर से उधर किया है, पब्लिक को जर्नी किया लोगों ने रक्षाबंधन वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा भाई साहब पावरफुल है। और जब ये आप लोगों को बता दूँ, जब मेरठ से और दिल्ली तक ये कनेक्ट हो जाएगी, जब चलने लग जाएगी, तब देखना इसकी भीड़ भाड़ क्या होती है दोस्तों। मेरठ शहर से भाई साहब एक सिटी से दूसरी सिटी में आना जाना भाई साहब बहुत ही फास्ट हो जाएगा, और ये 60 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंचाएगी। और अगर बाई रोड जाते हैं तो भाई साहब ये मुमकिन नहीं है, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो कि कितना टाइम लगने वाला है बाई रोड। और इस ट्रेन से भाई साहब जाके आप लोगों को ये कन्फर्म हो जाता है कि मेरठ साउथ आरआरटीएस के स्टेशन से लेकर और गाज़ियाबाद आरआरटीएस के स्टेशन तक दोस्तों ये 25 मिनट में ट्रेवल कर सकते हो। तो कितना सारा आपका टाइम बचता है आप लोग ये अनुमान लगा सकते हो। तो देख सकते हो उसकी जो सीटें थी प्रीमियम क्लास की वो ब्लू कलर की हैं, वो थोड़ी लग्जीरियस हैं, लग्जीरियस टाइप की हैं। और जो इसका जो ये वाला कोच हैं दोस्तों स्टैंडर्ड, ये रेड कलर में है। और इसमें पकड़ने के लिए देखो ये दिए हुए हैं, ऊपर भी दिए हैं, इसमें बैग रखने के लिए रैक भी दिए गए हैं पकड़ने के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा सुविधा है। और दोस्तों ये वातानुकूलित ये ट्रेन है, बिल्कुल फुल्ली वातानुकूलित, भाई साहब एक बार बैठो बिल्कुल ही पसीने धूल मिट्टी बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं करना आपको। तो इसी वजह से इसके चार्जेस भी, और आने वाले टाइम में भाई इसके चार्ज बढ़ने वाले भी हैं, तो मैं आप तो लोगों को बता दूं। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊं कि जैसे आपका कोई सामान छूट जाता है इस ट्रेन में तो आपको गाज़ियाबाद आरआरटीएस के स्टेशन पर मिल भी जाएगा। इसमें एक आरआरटीएस कनेक्ट ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, वहीं से आप टिकट भी बुक कर सकते हो बुक, और अपना सामान अगर छूट जाता है तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, खोने की कोई संभावना नहीं है इस ट्रेन में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और आप सभी इसकी स्पीड भी देख सकते हो। अभी क्या स्पीड है देखो आप लोग,
जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बता जाए कि इसकी क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या इस ट्रेन के अंदर मिलने वाला है आप सभी को। आप लोग देख सकते हो, देखो बढ़ता चला ही जा रहा है। तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, इसकी मिनिमम स्पीड है, और ये चलती भी है, ऐसी बात नहीं है, चलती भी है। तो यही मुझे दिखाना था, पहली बार मैंने ट्रेवल किया है। आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते थे, डिमांड थी कि केपी संत भाई के आप लोगों ने अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया, इसमें बैठ के नहीं देखा आप सभी ने। तो आज मैं फाइनली बैठ चुका हूँ और आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से इसको निर्माण किया गया है। और पूरे भारत में भाई साहब, पूरे भारत में ये फैलती चली जाएगी। अब हर सिटी से, एक सिटी से दूसरी सिटी को ये जोड़ेगी रैपिड रेल दोस्तों, RRTS की ट्रेन। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से इसकी फैसिलिटी दी गई हैं, और कंफर्टेबल सीटें भी हैं, मतलब आगे पीछे दोनों साइड में दे रखी हैं, एक आगे का मुंह है एक पीछे का मुंह है, मतलब आमने सामने इसके मुंह किए हुए हैं। तो ये जो प्रीमियम कोच तो एक ही है, स्टैंडर्ड कोच दोस्तों इसमें चार हैं। और देखो जहाँ पर ये रुकेगी पहली बता दिया करेगी, इसमें सब कुछ दिखाता रहेगा और बताता रहेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ हम उतर चुके हैं, कहाँ पर, दुहाई RRTS के स्टेशन पर। तो दुहाई RRTS के स्टेशन भी आप लोग देख लो कि क्या ही भाई साहब अद्भुत बनाया है, क्या ही सुंदरता चमक रही है भाई साहब। दूर से चमकने में तो वाकई ही बहुत ही सुंदर दिखता है। और भाई साहब इसकी खासियत भी है, क्योंकि भारत में पहली बार ये लाई जा रही है। तो देखो ये चली जाती है दुहाई RRTS के स्टेशन के लिए, यानी कि डिपो के अंदर के लिए। देख सकते हो आप लोग इसमें तीन प्लेटफॉर्म हैं, दो राइट हैंड पे हैं और ये एक लेफ्ट हैंड पे हैं। तो ये डिपो में जाने के लिए है और बाकी दो साहिबाबाद से और मेरठ जाने के लिए, मतलब कि दिल्ली से मेरठ जाने के लिए दो उस साइड में हैं। तो यही हैं कोचेस, आप लोग देख सकते हो ये सारी खुल चुकी है और आप लोग अब देख सकते हो कि किस तरीके से इस ट्रेन का निर्माण किया गया है दोस्तों। गुजरात के सामली में असेंबल की जा रही हैं वंदे भारत भी और रैपिड रेल भी दोस्तों, और मेरठ मेट्रो भी। ये गुजरात के सामली से असेंबल की जा रही है, वहीं से ये लाई जा रही है ट्रिको द्वारा बाई रोड दोस्तों। देखो सारे जोड़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा सकते हो, दूसरे डिब्बे से तीसरे डिब्बे में जा सकते हो, तीसरे डिब्बे से चौथे डिब्बे में जा सकते हो, लेकिन महिलाओं वाले कोच में और प्रीमियम कोच में नहीं जा सकते हो, उसके लिए अलाउ नहीं है। देख सकते हो बिल्कुल ही खाली ट्रेन है, बिल्कुल अभी ज़्यादा पैसेंजर नहीं, आने जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी ये ज़्यादातर वो नहीं हुई है ना। देखो ये है प्रीमियम कोच, जिसमें से खाने पीने की ये बैंडिंग मशीन भी लगाई गई है, बस स्कैन करो और जो भी सामान खाना है आप ले सकते हो, उसका पहले ही आ जाएगा। तो कुछ यही है। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत लाता रहता है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से ट्रेन का डिज़ाइन बनाया गया है, किस तरीके से अंदर से ये बनाई गई है भाई साहब, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता मैं कि भाई साहब इतनी बेहतरीन ट्रेन बनाई गई है आम जनता के लिए, पहली बार देश में चलाई गई है दोस्तों, वो भी पिलर के ऊपर 180 किलोमीटर की रफ्तार से। और आप लोगों को बता दूं ये पैसेंजर के हिसाब से ही दोस्तों इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जाएगी दोस्तों। तो आप सभी क्या ही बेहतर हो रहा है, देख सकते हो ये नज़ारे खूबसूरत, यही नज़ारों को देखने के लिए मैं इस ट्रेन में आया हूँ दोस्तों, बैठा हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और इन्जॉय मैं खुद कर सकूँ, कि जिसका मैंने आप लोगों को पर डे अपडेट दिया, डेली अपडेट दिया डे वन से, आज उसमें बैठकर कैसा लग रहा है दोस्तों, भाई साहब मन एकदम गदगद हो गया। ऐसे ही और भी कंस्ट्रक्शन के अपडेट आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, और भी NCRTC से बात होती रहती है, तो वहाँ पर भी आपको आने जाना का अब देखने को मिलता ही रहेगा। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा,
और ऐसे ही वीडियोस देखो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों केपी संत के चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देखो आप लोग ये जा रहे हैं दुहाई डिपो के लिए दोस्तों, तो ये डिपो में ही ट्रेन जाएगी और ज़्यादातर इसमें पैसेंजर नहीं है, बिल्कुल खाली आती है। तो ये आ जाता है दुहाई डिपो RRTS का स्टेशन जो बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो तो काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है, जो कि यहाँ के वर्कर्स हैं और जो गांव आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ से इसमें चढ़ सकते हैं और दिल्ली या मेरठ के लिए जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आप सभी से इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।